अयोध्या में दूसरी एक महिला को सांप काटने से मृत्यु होने पर भगत ने झाड़ फूंक कर जिंदा करने में जुट गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत गदुआ में एक महिला को सांप काट लिया जिसकी मौत हो गई। उक्त मृतक महिला की पहचान गदुआ ग्राम के सरवन सदा के पत्नी चंदुल देवी के रूप में की गई है। इस संदर्भ में बताया गया कि वह महिला घर में सो रही थी कि विषैला सांप काट लिया, तो परिजनों ने इलाज के लिए PHC सिंघिया भर्ती किया, जहाँ डॉक्टर ने स्थिति नाजुक रहने पर DMCH रेफर कर दिया, जहाँ इलाज के दरमियान ही मौत हो गई। मृत्यु होने के पश्चात परिजनों ने अंधविश्वास में पड़ गया, जिसे भगत ने बताया कि झाड़ फूंक मंत्र से जिंदा कर दूंगा। बहुत देर तक भगत के द्वारा झाड़ फूंक की गई तथा जिंदा नहीं होने पर दाह संस्कार कर दिया गया। इसके मृत्यु होने पर समाज सेवी सुशील कुमार ने बिहार सरकार से आर्थिक मुआवजा देने की मांग किया है। डुमरा में भी एक व्यक्ति कृष्णदेव साहु के पुत्र रितेश कुमार को सर्प काट लिया, जिससे PHC में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद DMCH रेफर कर दिया है।